दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग विलियन डे पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज प्राइस मिलेगा कौन कौन से मोबाइल में, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट मोबाइल है रेडमी नोट 7 प्रो का, वो है 11,999 रुपये। ये एक्सचेंज में बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हम खुद ट्राई करके देखा है, हमारा रियलमी C1 था उसमें मिल रहा है 3,700 रुपया, ठीक है। और नेक्स्ट में हम जा रहे हैं सैमसंग ए सीरीज़ का, तो इसमें जो है 16,999 रुपये, इसमें भी बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है। और नेक्स्ट है सैमसंग A50, ये 16,999 का है, इसमें भी अच्छा पैसा मिल रहा है एक्सचेंज में। और है एक सैमसंग A50s 20,999, इसमें भी बहुत अच्छा मिल रहा है पैसा एक्सचेंज प्राइस में। सैमसंग S10 S10 प्लस, ये तो बहुत फ्लैगशिप फ़ोन है, ठीक है, इसमें भी बहुत एक्सचेंज प्राइस मिल रहा है। सैमसंग Note 10 Note 10 प्लस, इसमें भी बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। वीवो S1, इसमें भी बहुत अच्छा फ़ोन। आप वीवो की बात करें तो वीवो में हर टर्म समय अच्छे से अच्छा प्राइस में, मतलब जो एक्सचेंज ऑफर रहता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। वीवो V15 प्रो, इसमें भी बहुत अच्छा है एक्सचेंज प्राइस। आप लोग और भी जा सकते हो, वीवो Y91, ये बहुत सस्ते वाला फ़ोन है, इसमें भी एक्सचेंज अच्छा है। वीवो Y91i 8,000 का फ़ोन है, इसमें भी एक्सचेंज प्राइस अच्छा है। वीवो Y15 13,000 का, इसमें भी बहुत अच्छा है एक्सचेंज प्राइस 14,990। वीवो Y17, ये भी बहुत बढ़िया है एक्सचेंज प्राइस का। और है ओप्पो F11, तो ये भी है 18,000 का फ़ोन, इसमें भी बहुत बढ़िया है 21,990 पे। ओप्पो F11 प्रो 48 है, जो हाली में लॉन्च हुआ है, ये भी बहुत बढ़िया है। ये ओप्पो F9, ये अगला साल बिग बिलियन डे पे 13,000 पे था, अभी तो इसका 17,000, तो 2 साल पूरा हो गया, फिर भी क्यों नहीं इसका दम कम, पता नहीं, लेकिन इसमें आप लोगों को एक्सचेंज ऑफर में अच्छा दिया जाएगा। और 17,990 में ओप्पो F9 प्रो अगला साल का है, ये भी एक्सचेंज में बहुत बढ़िया होगा। और आप लोगों का ओप्पो Reno 10X जूम, ये भी बहुत 29,990 में अच्छा मिलेगा। और ओप्पो A5, ये भी एक्सचेंज प्राइस अच्छा मिलेगा। और ओप्पो Reno 2, ये भी बहुत बढ़िया है एक्सचेंज ऑफ़र। और ओप्पो Reno 2J 30,000 का है, ये भी बहुत अच्छा है एक्सचेंज ऑफ़र। और आप लोगों का है ओप्पो A7, जो हाल ही में लॉन्च हुआ 12,000 का, ये भी बहुत बढ़िया है। ओप्पो A9 19,000 का, 20,000 का है, ये भी बहुत अच्छा है आप लोगों का एक्सचेंज प्राइस। और एक है नोकिया 7.1, नोकिया 7.1 में अच्छा मिल रहा है एक्सचेंज प्राइस, वो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। उसका रेट है 18,499 रुपये है, वो भी बहुत बढ़िया है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ इस वीडियो देख के, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।